हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे दो नंबर के बीच में कैसे इवन नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं और कैसे ऑड नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन, बॉडी ओपन और क्लोज करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे। अभी फॉर लूप के बॉडी को आप जो भी सिंटेक्स है उसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप प्रिंट एफ लगा दीजिए, परसेंट डी स्पेस दे दीजिएगा ताकि दो एलिमेंट के बीच में गैप आ जाए, और यहाँ पे आई प्रिंट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या ट्रिक है कि दो नंबर के बीच में कैसे आप इवन नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, 100 से 200 के बीच में जितने भी आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे करेंगे। तो ट्रिक यह है, सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे मेथड वन, दूसरे मेथड से भी बताऊंगा आपको। तो एक ही सिंपल सा ट्रिक होता है कि सबसे पहले फॉर लूप से जो भी आपके प्रोग्राम बनाने होते हैं उसका आउटपुट लिख लीजिए। तो चलिए 100 से 200 के बीच में जितने भी इवन नंबर होते हैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, 100 होगा, उसके बाद क्या होगा, 102, 104, 106, डैश डैश लास्ट कहाँ तक जाएगा, 200। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको हम इनिशियलाइजेशन में रखते हैं, और जहाँ तक लूप प्रिंट होगा उसको हम कंडीशन पे रखते हैं, और जो भी गैप है हर दो एलिमेंट के बीच में उसको इंक्रीमेंट पार्ट हम ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, 100 से। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए आई इक्वल्स टू 100, कहाँ तक प्रिंट होगा, 200 तक। तो इसको आप कंडीशन के प्लेस पर रख दीजिए आई लेस देन इक्वल्स टू 200। हर दो एलिमेंट के बीच में दो का गैप है तो आप इंक्रीमेंट कितने से कर दीजिए, आई प्लस टू। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम एक्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से 200 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 20 से 50 के बीच में प्रिंट करना है, तो सेम प्रोसीजर है उसके लिए भी। 20 से 30 के बीच में आप सबसे पहले इवन नंबर लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 20, 22, 24, 26 और डैश डैश करके लास्ट कहाँ तक जाएगा, 50। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कितने से होगा, 20 से, 20 यहाँ पर रख दीजिए। कंडीशन कहाँ तक जाएगा, 50 तक, तो यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए। हर दो एलिमेंट के बीच में गैप कितने का है, दो का, तो यहाँ पे दो ही रहने दीजिए। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जाइए एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 50 के बीच में सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि आप दूसरे तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर को। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो मेथड है वो सबसे सिंपल है, उसका यूज कीजिएगा तो आप जल्दी प्रोग्राम को बना सकते हैं। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जनरली आपके प्रोग्राम, जैसे आप बुक देखोगे या इंटरनेट पे देखोगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 20 और 50 के बीच में ही आपको इवन नंबर प्रिंट करना है तो लोग क्या करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे, 50 तक जाएगा कंडीशन, और यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो अभी आप चला के देखिए तो सारे 20 से लेकर 50 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें से इवन को अलग करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन देना पड़ेगा, यदि आई का मॉडुलस 2 से किसके बराबर हो जाए, 0। देख लीजिए यहाँ से सेम आउटपुट आ जाएगा, 20 से 50 के बीच में सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। दोस्तों ये कैसे हुआ, तो इसके पीछे कंसेप्ट है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होता है, 0। मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ आपको कि जितने भी सम संख्या होते हैं उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 होता है। और रिमाइंडर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो मॉडुलस साइन का यूज करके, जिसे आप परसेंटेज साइन भी बोलते हैं। तो हम रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस साइन का यूज करके हम रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑड नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये था इवन के लिए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। अब अपन देखते हैं मेथड वन ऑड के लिए सिंपल सी चीज़ है। चलिए जैसे मान लीजिए हमको 100 से 200 के बीच में ऑड नंबर को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम आउटपुट लिख लेंगे। सबसे पहला क्या होगा, 101, 103,
107 दस दस करके लास्ट में कहाँ तक जाएगा 199। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इनिशियलाइजेशन कितने से हो रहा है 101 से, तो यहाँ आप लिख दीजिए 101। कंडीशन कहाँ तक जाएगी 199। और हर दो एलिमेंट के बीच में कितने का गैप है देख लीजिए, 105 और 107 के बीच में दो का गैप है, तो यहाँ पे आप दो पुट कर दीजिए। अभी इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा प्रोग्राम को रन करने से पहले। अब इसको रन कर दीजिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 100 से 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सबसे सिंपल ट्रिक है, इसका यूज कीजिएगा, आप बहुत जल्दी प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए एक और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 50 से 100 के बीच में। तो 50 से 100 के बीच में सबसे पहला होगा 51, 53, 55, 57, डैश डैश करके लास्ट वाला कितना होगा 99। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनिशियलाइज कहाँ से होगा 51 से, कंडीशन कहाँ तक जाएगी 99 तक, और हर दो एलिमेंट के बीच में दो का गैप है। तो इसको जस्ट अब क्या कीजिए, यहाँ से कमेंट कर दीजिए और इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्लैश गलत दे दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रन कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे ऑड नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जैसे 100 से 200 के बीच में आपको निकालना है ऑड नंबर, तो 100 कर दीजिए यहाँ पे, 200 यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा प्रिंट होगा नंबर, 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसमें से ऑड नंबर को आपको सिर्फ प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप कीजिए i का मॉडुलस 2 से किसके बराबर कर दीजिए, नॉट इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। दोस्तों जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया था कि इवन नंबर में क्या होगा, यदि उनका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो वो सारे क्या प्रिंट हो जाएंगे, इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। यदि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ से सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। या एक और भी तरीका है ऑड नंबर का प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या कर दीजिए 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस मेथड से भी आप किसी भी दो नंबर के बीच में ऑड नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इवन ऑड के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा या कुछ भी इस प्रोग्राम में नहीं समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका आंसर करेंगे आपके लिए। और यदि वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।